मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, रफू पर फिर रफू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता। गमों के दर्द को हंसकर मैं सीने से लगा लूंगी, महकते प्यार के सपने में आंखों में, महकते प्यार के सपने में आंखों में सजा लूंगी, मोहब्बत प्यार का रिश्ता निभाने से ही चलता है, अरे जरा सा तुम निभा लेना जरा सा मैं निभा लूंगी, जरा सा तुम निभा लेना जरा सा मैं निभा लूंगी, बेवफा बेरुखी से काम न ले, बेवफा बेरुखी से काम न ले, दामने सब्र छूट जाएगा, अरे दिल का शीशा बहुत ही नाजुक है ठेस लगते ही टूट जाएगा। तो कहना है प्यार न करना, प्यार न करना, प्यार न करना, प्यार में ऐसा होता है, प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, कैसा होता है, पहले मोहब्बत, पहले मोहब्बत, राजू साहब प्यार ना करना प्यार में ऐसा होता है, पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है, प्यार ना करना प्यार में ऐसा होता है, प्यार ना करना प्यार में ऐसा होता है, प्यार ना करना प्यार में ऐसा होता है, शुक्रिया इंशाल्लाह बिल्कुल वक्त में सुना रही हूँ, अगले दौर में कलाम भी सुनाऊंगी, शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, जितने सो रहे हैं जरा जाग जाएं, वो पहली बार चढ़ावटा में ऐसा देख रहा हूं, एक दो मतले और बातें हैं तो और सुन लें। हेलो हेलो हेलो, ये बीच में आना जाना बंद करो, आना जाना थोड़ा बंद कर दीजिएगा। थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा और आना जाना बंद कर दीजिए। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, मेरे पास हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो। जिस तरह भाई का हुक्म है, कमेटी का हुक्म है, हेलो चेक, हेलो। पूरे राजस्थान से जो जायरीन हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, यहाँ पर उन सभी का इस्तकबाल, नौजवान कमेटी चढ़ावटा की ओर से, हेलो चेक। मेरठा शहर से भी हमारे बीच, हेलो चेक, हेलो। हमारे प्रॉपर्टी डीलर जावेद खान साहब, ठेकेदार रजाक साहब, हारून साहब और तमाम उनकी टीम के तमाम जितने भी साथी तशरीफ लाए हैं, उन सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और क्योंकि दौर कंटिन्यू चल रहा है तो इस बहते हुए प्रभाव में किसी भी तरह का खल नहीं हो, हमारे नेशनल कबड्डी प्लेयर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, पीटीआई साहब जो कि कबड्डी के निर्णायक भी है, उनकी ओर से जर्रा नवाजी के तौर पर जो भी पुरस्कार प्राप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। और लीजिए, बिना किसी विस्तृत कमेंट्री के दूसरा सिलसिला गजल का, सबसे पहली बार अमन भाई ने गजल का जिक्र किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चढ़ावटा की सरजमीन है, यहां कलाम सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, बतोले बहुत कम सुना करते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। संजय साहब, मेरा ना किसी पे तंज होता है और ना मैं करना चाहता, मेरी कितने भी यूट्यूब तो अब आया है, मुझे गरीब नवाज ने बचपन से हिट किया है, इतना लोगों का अल्लाह मुझे माफ करे, मैं किसी पे तंज ना करते हुए, वो तो खैर मोहतरमा है, मैं हर फनकार की इज्जत करता हूं,
क्योंकि हिंदुस्तान की ये रीत है कि अपने बड़ों को इज्जत दो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। मेरा तो सिर्फ इतना ही कता काफी है कि मिल गई है तो ये निस्बत नहीं जाने वाली, जो मिली मुझको वो शोहरत नहीं जाने वाली। मैं खिलौना हूं मगर चिश्तिया दरबार का हूं, टूट भी जाऊं तो कीमत नहीं जाने वाली। मैं पप्पू भाई गुलजार भाई का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने नवाजा। एक ऐसे कलाम की सामने से फरमाइश आई है जिसे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने पसंद किया है और शायद उसका नाम सुनकर आप मचल जाएं। राजू शाह साहब बैठे हुए हैं, जिसका नाम है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये ख्वाजा की धरती है, यहां बतौले नहीं सुनते लोग। बतौले तो ऐसे होते हैं, अगर आप कहें तो सुना दूं, नहीं सुनाऊं भाई। सर की सामने से आ गया, अब मुझे पता चल गया कि मयारी है। हम ख्वाजा वाले हैं, ख्वाजा के नाम से स्टार्ट करते हैं। एक बार हाथ उठा दें ख्वाजा वाले। और आज ऐसी हाजिरी मेरी दरबारे मोइन में हुई है संजय साहब, अरविंद साहब, कि मैं बरसों से तलाश में था कि मेरी ऐसी हाजिरी हो जाए। आज गरीब नवाज ने वो हाजिरी कबूल फरमाई। असल में लोगों ने कव्वाली को बदनाम करके रख दिया, कहीं का ईट कहीं करोड़ा, कुछ नहीं पता क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं, बस ये पता है कि हाँ गा रहे हैं। सर शास्त्रीय संगीत किसको कहते हैं? पहले हल्का सा अंदाज सुन लें। राजू साहब, जो मैंने अपनी बुजुर्गों से सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी लोग हैं, ऐसे नहीं है। अमन भैया सानी सानी, क्या बात है, जियो। मेरे दादा का शायद आपने नाम सुना हो, मोहम्मद के शहर में हाजी असलम साबरी साहब का अंदाज है ये। निदानी रे गानी मदानी रे गा निमा अजमेर की सुंदरी
के राजा रहते उस देश की सजदा क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते। राजू साहब दो मिनट, जा रहे हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, साथ में गाने बजाने का सामान भी लेते जाओ, मेरा नहीं। क्या करोगे जो मेरी याद सताएगी तुम्हें, सोना चाहोगे मगर नींद ना आएगी तुम्हें। यहां से आगाज कर रहा हूं। अरे मस्तियों में बड़े खुश नसीब हो तुम के ख्वाजा की सरजमीन पे हो, इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं है कि राजस्थान के अंदर हो। मस्तियों में जिया करो लोगों, चिश्तिया में पिया करो लोगों, मस्तियों में जिया करो लोगों, चिश्तिया में पिया करो लोगों, मस्तियों में जिया करो लोगों, चिश्तिया मैं पिया करो लोगों, और ये वजीफा है बरकतों वाला, बस ख्वाजा ख्वाजा किया करो लोगों। ख्वाजा किया करो लोगों, ये वजीफा है। लाल मोहम्मद साहब, मैं मोहतरमा की दिल से इज्जत करता हूं क्योंकि हमारे देश में लेडीज फर्स्ट, इसलिए मैं हर मोहतरमा की इज्जत करता हूं। और ये एक राजू साहब, अगर आप इजाजत दें तो एक नसीहत देना चाहता हूं। नवाब साहब इजाजत है, अरविंद साहब, संजय जी, आप लोगों की इजाजत। भाई पीछे वालों पढ़ दूं? अरे शुक्रिया। रहेगी दूर पप्पू भाई, पामा बरे गरे मदा नी रे गरे नी दा मदा नी दा मगा मगे जनी दो नी बे का। रहेगी दूर संजय साहब, रहेगी दूर चौखट से तो बस खोना ही खोना है, तेरी तकदीर में नो रहेगी दूर चौखट से तो बस खोना ही खोना है, तेरी तकदीर में ना समझ रोना ही रोना है। कौशल अंकल, ये दुनिया कुछ ना देगी, चल मेरे ख्वाजा की नगरी में, यहाँ पीतल ही पीतल है, वहां सोना ही सोना है। यहाँ पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना सोना, पूरी सरजमीन सोने की है। कसम खुदा की राजस्थान की जिस सरजमीन को देखो वो सोने की है, क्योंकि इस देश में मेरे ख्वाजा हैं। अभी तू ना समझ है वक्त के हाथों खिलौना है, कर्म का ले सहारा तुझको अगर मशहूर होना है, होना है। और ये चढ़ावता के स्टेज पे कैसा रोना धोना है, ये पब्लिक खुद बता देगी ये पीतल है ये सोना है। ये पब्लिक खुद लाल साहब, मैं हूं ख्वाजा का दीवाना, मेरी ठोकर में सोना है। मेहता साहब, खींचा साहब, राजमाज मोहन साहब, चपलोत साहब, श्री सिमेंट अजमेर जिले में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदत तो जरा देखो किलोमीटर के पत्थर पर। इरफान साहब, अकीदत तो जरा देखो, अजमेर जिले का नाम आया तो मैं नजर कर रहा हूं कि अकीदत तो जरा देखो किलोमीटर के पत्थर पर। जब हम घर से चलते हैं
अपनी कार से आते हैं तो वहां लिखा आता है जयपुर और किशनगढ़, लेकिन जब अजमेर आता है तो क्या अकीदत होती है कि अकीदत तो जरा देखो, किलोमीटर के पत्थर पर मैं जब अजमेर पढ़ता हूँ निगाहें सजदा करती हैं। सुभान अल्लाह। जब अजमेर पढ़ता हूँ निगाहें सजदा करती है। अकीदत तो जरा देखो, किलोमीटर के पत्थर पर मैं जब अजमेर पढ़ता हूँ राजू सा निगाहें सजदा करती हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई कली मिल जाए, श्री सीमेंट वालों मुस्कुराती हुई कली मिल जाए और फितरत भी संदली मिल जाए, उसकी किस्मत का क्या ठिकाना है जिसको अजमेर की गली मिल जाए। उसकी किस्मत का क्या ठिकाना है जिसको अजमेर की गली मिल जाए। भाई ने जिस कलाम की फरमाइश की है वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मशहूर फनकार मरहूम अजीज मियां साहब का अंदाज मैंने इस मनकबत में पढ़ा है, जो आपने बचपन में भी सुना है, तकरीबन 15 साल इस एल्बम को हिट हुए हो गए हैं और उन्हीं के अंदाज में मैंने पढ़ी है। अब थोड़ा सा अंदाज सुन लें, अगर आपने उनको सुना होगा तो मुझे दाद दें। समाप्त करें। ए भाई आया मेले का, तवज्जो दे, आया मेले का महीना तो एक मस्ताना, आया मेले का महीना तो एक मस्ताना, दिल से खौजा पिया का जो था वो दीवाना, या मोई या मोई का महीना तो एक मस्ताना, दिल से ख्वाजा पिया का जो था वो दीवाना, पैसा पैसा जमा करता था साल भर वो गरीब, पहुंचो अजमेर के ख्वाजा का हो दीदार नसीब, दिल्ली के सारे मियां दिल्ली के सारे मजारात की ज़ियारत करके पहुंचा अजमेर, वहां से खुदा खुदा करके दोहला गुंबद जो नजर आया तो वो लब खोला और गिर के सरकार के कदमों में इस तरह बोला, क्या बोला, ये चिश्ती साहब का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने गरीब नवाज के सदके में नवाजा है। पहला मिसरा समाप्त फरमा ले। छुपा है प्यार इसमें तो अहद का और अहमद का, छुपा है प्यार इसमें तो अहद का और अहमद का, ये वो रंग है कि जिसमें अक्स है प्यारे मोहम्मद का, ये चिश्ती रंग I'm not afraid.
سامعی نظرات ہندوستان میں جو دین اور اسلام پھیلا ہے سب غریب نواز کی بدولت اور پنجتن پاک کا صدقہ ہے. بے شک جو سامنے بیٹھے ہیں نواب صاحب کسی شداد کی جنت نہ قارونی خزانے سے جی انشاءاللہ بس اس کے بعد سرکار کا ذکر ہوگا کیونکہ جن کے صدقے میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے وہ غریب نواز ہیں اور جن کے مزار پہ آئے ہیں وہ دینا شاہ بابا ہیں. تو انشاءاللہ اس کلام کے بعد سرکار کا ذکر ہوگا. کسی شداد کی جنت نہ قارونی خزانے سے کیونکہ یہ چار مصرے یہ دینا شاہ کے چاہنے والے ہیں. میں بھائی کی نظر کر رہا ہوں جی انشاءاللہ یہ چار مصرے پہلے دینا شاہ کی نظریے سے سنیں آپ سے. تو وہ جو چاہتا ہوں جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ یہ موقع عرس کا آیا تو میں بھی در پہ آیا ہوں. اروند صاحب یہ موقع عرس کا آیا تو میں بھی در پہ آیا ہوں. کھلا باب کرم پایا تو میں بھی در پہ آیا ہوں. زمانے کی ہے کیا ہمت جو میرے عزم کو روکے میرے دینا شاہ نے بلوایا تو میں بھی در پہ آیا ہوں. بے شک تو کسی شداد کی جنت نہ قارونی خزانے سے کسی شداد کی جنت نہ قارونی خزانے سے کسی شداد کی جنت نہ قارونی خزانے سے ملا دنیا کو سرکار دو عالم کے گھرانے سے یہ چشتی رنگ مجھے نوازا ہے. شری سیمنٹ والوں نے لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ ضلع یہ سیمنٹ بھی اجمیر ضلع میں ہے تو میں اس بات کو کہتے ہوئے چوکوں گا نہیں کہ یہ سیمنٹ بھی غریب نواز کے صدقے میں ہے. ایک مرتبہ زوردار تالیاں شری سیمنٹ کے لیے بجائیں آپ کہ انہیں بھاری عقیدت ہے سرکار غریب نواز سے. اور اروند صاحب یہ شعر سنیں کہ دل کے زخموں کو سی نہیں سکتا آنسوؤں کو بھی پی نہیں سکتا چھوڑ کر در تیرا معین الدین مر تو سکتا ہوں جی نہیں سکتا لیکن فیض کا لطف پا نہیں سکتا نور میں وہ نہا نہیں سکتا جب تلک ہو نہ کرم خواجہ کا کوئی اجمیر آ نہیں سکتا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس لیے پہلا بند سماعت فرمائیں توجہ چاہوں گا. میرے خواجہ مزہ آ رہا ہے شکریہ. میرے خواجہ کا ہے دربار عالی شان کیا کہنا میرے خواجہ کا ہے دربار عالی شان کیا کہنا بچھا رکھا ہے وہ رحمت کا دسترخوان کیا کہنا محبت کا نظر آئے گا یہ اجمیر میں منظر یہی کہتے ملیں گے چشتیہ مہمان کیا کہنا مجھے چڑھ گیا چشتیہ
रहेगा इससे कमतर कोई ऐसा हो नहीं सकता, रहेगा इससे कमतर कोई ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी रंग हो इससे तो अच्छा हो नहीं सकता, कोई भी रंग हो इससे तो अच्छा रहेगा इससे कमतर कोई ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी रंग हो इससे तो अच्छा हो नहीं सकता। जमाना लाख अपने तौर पे धोया करे इसको, किसी भी हाल में ये रंग फीका हो नहीं सकता। मुझे चढ़ गया दृष्टि का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा है। शुक्रगुजार देखिए लाल मोहम्मद साहब, एक मिनट, कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं कहते कि मुझे चढ़ गया चिश्ती, चढ़ गया चिश्ती। अरविंद साहब, संजय साहब, राजू साहब, बल्कि कौन कौन कहता है चाचा। लाल मोहम्मद साहब इस शेर को सुने और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बंद आपको पसंद आएगा, श्री सिमेंट को पसंद आएगा। निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे, निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे। सर तवज्जो दें। अरविंद साहब, निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे, निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे। लाल मोहम्मद साहब, निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे, कुछ लोगों के चलते हुए जादू भी कह उठे, कुछ लोगों के चलते हुए जादू भी कह उठे। भैया भैया एक मिनट, भाई लाल शर्ट, एक मिनट एक मिनट। निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे, निस्बत के जगमगाते ये जुगनू भी कह उठे, कुछ लोगों के चलते हुए जादू भी कह उठे, कुछ लोगों के चलते हुए जादू। राजू साहब, क्या एकता है देखिए इस राजस्थान में, क्या एकता है देखिए इस राजस्थान में, क्या एकता है देखिए राजस्थान में। मुस्लिम ही नहीं बल्कि ये हिंदू भी कह उठे, मुझे चढ़ गया जिश्त, मुझे चढ़ गया जिश्त।